हेलो गाइस, आज दिखाऊंगा डूबी मशीन में कैसा काम होता है, कैसा कपड़ा बनता है और कारीगर लोग कितना घंटा काम करता है, वो सब आप लोग को दिखाऊंगा। मेरा चैनल में नया हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। जय जगन्नाथ। ये है डूबी मशीन और ये जो कपड़ा बन रहा है ये पकड़ी बन रहा है। शादी में जो पकड़ी पहनता है ना, वो पकड़ी बन रहा है। और ये जो भीम का माल है, ये लाइलन का भीम का माल है, बहुत पतला माल है। और इसमें दो शटल चल रहा है और दो शटल में दो जोड़ी से दो कलर का जोड़ी चल रहा है, एक गोल्डन वाला और एक सफ़ेद वाला। ये ऊपर जो देख रहे हो ना आप लोग, ये डूबी मशीन है। देखो कैसा कपड़ा बनता है, कारीगर लोग पूरा 12 घंटा काम करता है, 7 बजे सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक, बहुत मेहनत वाला काम है। और इधर पूरा देश का कोने कोने से कारीगर लोग आता है काम करने के लिए। आप लोग भी आ सकते हो, इधर महीने का 20-25 हज़ार आराम से कमा लोगे। और ये जो कारीगर है, ये उड़ीसा का गंजम जिला का है। ये कारीगर बहुत जूना कारीगर है, मतलब पुराना कारीगर है, 30 साल का कारीगर है। ये 30 साल से इधर काम कर रहा है। और आप लोग जो और ये जो कपड़ा में जो तार है, बड़ा बड़ा दिखाई नहीं देता है, बहुत पतला माल है। ये मोनो माल है, इसको मोनो माल बोलता है। और ये शादी में जो सिर पे पकड़ी पहनता है, वो पकड़ी बन रहा है। अभी देखो कैसे मशीन चलाता है कारीगर लोग। इधर पूरा 12 घंटा काम करता है कारीगर लोग। और ये जो देख रहे हैं, ये डूबी मशीन है। और जो लकड़ा का जो लैपिस, इसको लैपिस बोला जाता है, और इसमें कपड़ा का डिजाइन बनता है। आप लोग को दिखाऊंगा मशीन का पीछे भी दिखाऊंगा कैसे वो भीम का कितना पतला तार है। और ये अभी कारीगर तार भर रहा है, तो घबरा गिर गया। तो चलो आज आप लोग को दिखाऊंगा मशीन का पीछे कैसा है। और ये जो लाइट है, इसको लाइट बोला जाता है। और इसमें मशीन के पीछे भी देखो, मशीन में पीछे कैसा है। कारीगर का घबरा गिरा है, वो घबरा सुधर रहा है लाइट जला के। बहुत पतला माल है मगर दिखाई नहीं देता है बराबर, इसलिए लाइट जला के काम करना पड़ता है।